بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم empowering youth with Sajid Malik. आज हम एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ. नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं तो पहली मीटिंग में होता क्या है, हम जब किसी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा बात करने का अंदाज जब ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली जब हम इनकोड करते हैं और ये डिकोड होके रिसीवर तक पहुंचता है तो हमारे यहाँ से जब चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, यहाँ से हम मूव करते हैं, अपने ब्रेन को स्ट्रीमलाइन करते हैं और ये वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं और आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और जिसको आप बात कन्वे करना चाह रहे होते हैं, जो आपका रिसीवर होता है वो आपकी बात को लेता है. अगर आपकी बात में अंडरस्टैंडिंग का लेवल और बात करने का अंदाज इफ़ेक्टिव हो तो बात कन्वे होते होते यहाँ से आपके ब्रेन से आपके हार्ट पे आ जाती है. इट्स लाइक अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट. अब देखिए बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम कम्यून टू शेयर, जस्ट टू शेयर, और इसमें ऐड कीजिए शेयर और अंडरस्टैंडिंग. आप जिस बात को जिस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, आपकी बात जितनी इफ़ेक्टिव होती है उतने ही अच्छे अंदाज में जो आपका रिसीवर होता है, जो दूसरे एंड पे होता है, वो बात को लेता है. जो जो आपकी बात के अंदर इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती जाती है और इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ आपकी बात में ऑनेस्टी बढ़ती जाती है. ऑनेस्टी के फैक्टर हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, हम ऑनेस्टी को बढ़ाते रहते हैं, हमारी बात इफ़ेक्टिव होती है तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके आपके हार्ट पे आता है और फिर आप अगले बंदे को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं. ब्रेन भी ओपन होता है, हार्ट भी ओपन होता है. जब तक याद रखिए सिर्फ आप यहाँ से किसी को ओपन करते हैं तो आपका मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होता. जब तक आप यहाँ से यहाँ आते हैं और आप हार्ट को ओपन करते हैं तो आपकी बात कन्वे भी होती है, आपका मैसेज ट्रांसफ़र भी होता है और आप अपनी जो बात करना चाह रहे होते हैं उसमें कामयाब भी हो जाते हैं. मैंने को बताया कि ऑनेस्टी इसमें बड़ी मैटर करती है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल इसमें बड़ा मैटर करता है. और याद रखिए कम्युनिकेशन दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं, आपका ताल्लुक चाहे मेडिकल फील्ड के साथ है, आपका ताल्लुक चाहे इंजीनियरिंग फील्ड के साथ है, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, किसी भी शोबे ज़िंदगी से अगर आपका ताल्लुक है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं करते तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते. यूँ कह लीजिए कि जो कम्युनिकेशन है ये एक मदर की हैसियत रखती है. अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी तो ज़िंदगी के सारे मामला इस पर असरअंदाज होंगे. जो जो आपकी कम्युनिकेशन में निखार पैदा होता जाता है आपके मामलात में आसानी पैदा हो जाती है. बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो मैं चाहूँगा कि मैं इसको एड्रेस करूँ. मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता है आपकी लिसनिंग से. द मोर यू गुड एज फार एज द लिसनिंग इज कंसर्न द मोर यू बिकम अ गुड स्पीकर. देखिए चार चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, आपकी लिसनिंग, आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग. ये चारों चीज़ें बेसिकली कम्युनिकेशन के प्रोसीजर को और उसके साइकिल को मुकम्मल करते हैं. लेकिन ये प्रूवन एक स्टडी बता रहा हूँ आपको, ये एक इंटरनेशनल सर्वे है और रिसर्च है कि अगर आप लिसनर अच्छी हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर हैं. जो लोग अच्छे लिसनर नहीं हैं और लिसनिंग के लिए अगर आप इसको लिंक करें इस मजाज को अपने इस्लाम के साथ तो आप देखिए आप जितने अच्छे बात को अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, आपकी तबीयत में जितना सब्र होता है और हिल्म होता है तो आप बात को डाइजेस्ट करते हैं और फिर आप बात को आगे फॉर्मुलेट करके चैनलाइज करते हैं. और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है. कम्युनिकेशन आपकी स्पोकन है, आप जो ओरल बात करते हैं, आपकी रिटन जो है वो आपकी कम्युनिकेशन है. नॉर्मली हम कम्युनिकेशन को या तो ओरल में लेते हैं, वर्बल में नहीं, नॉन वर्बल में लेते हैं. इसके अलावा भी कम्युनिकेशन है. आप देखें आप आपकी जो जेस्चर हैं, आपके जो पॉस्चर हैं, आपके जो बॉडी लैंग्वेज हैं, आपका जो आई कॉन्टेक्ट है, ये कम्युनिकेशन है. जो आप डिफरेंट सिग्नल देते हैं ये कम्युनिकेशन है. उस वक्त हमारे सामने आपने देखा है कि क्लास में कोई पढ़ाने आए हैं, कोई आपके टीचर,
अभी क्लास में आते ही जब अपना तारुफ करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा बात वो नहीं करते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर बेहतर होती है कि आपको बात समझ आना शुरू हो जाती है। और उनकी ये वेव्स, ये हाथों की मूवमेंट, ये आपके आई कॉन्टैक्ट, ये इतने बेहतरीन फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं और ये पूरे एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो याद रखिए कि कम्युनिकेशन आपकी जेस्चर, आपका पोस्चर, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, देखिए दुनिया में जितने भी कामयाब अफराद हैं, जब वो अपना सक्सेस रेशो को एनालाइज करते हैं और उसको एवेल्यूएट करते हैं, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मॉनेटरी फ्रंट में कामयाबी नहीं है। देखिए ग्रोथ आपकी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपकी लर्निंग है, आपकी कम्युनिकेशन है। आप जितने अच्छे अंदाज में लर्निंग हासिल करते हैं, आप स्किल्स को इन्हेंस करते जाते हैं और जितने अच्छे अंदाज में उसको आगे कम्युनिकेट करते हैं और बात को आगे पहुंचाते हैं अपने मुखातिबीन की तरफ, मैं समझता हूं कि कामयाब अफराद वो हैं। कामयाबी का मियार आपकी बात को अच्छे अंदाज में कन्वे करने में है। आपने देखा होगा कि बहुत से अफराद ऐसे हैं कि वो PhD भी हैं, वो बड़ी आला उनके पास एजुकेशन है, लेकिन बसों का हम ये देखते हैं कि जिस अंदाज में एक बात करने का इख्तियार या अंदाज होना चाहिए, उनके पास उस चीज़ की महारत नहीं होती, लिहाजा वो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। लिहाजा कम्युनिकेशन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम कम्युनिकेशन को इंग्लिश के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश का आना बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हर वक्त हम जब इंग्लिश को साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन के, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। कम्युनिकेशन एक आर्ट है। देखिए कम्युनिकेशन बेहतर कैसे होगी, आप अपने आप को घर में शीशे के आगे खड़ा कीजिए और आप अपने आप को एड्रेस कीजिए, आप उसकी वीडियो बनाइए, उसकी रिकॉर्डिंग को सुनिए, अपनी गलती को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके कौन से वीकर एरियाज थे और आपने अपने उन वीकर एरियाज पे किस तरह मेहनत करते हुए उनको अपना स्ट्रेंथ एरिया बनाना है। एक तो इसका बड़ा हैंडी टूल ये है, आप अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं, और दूसरा इसका बड़ा आसान तरीका जो ये है कि आप कोई मेंटोर, कोई ऐसी सेलिब्रिटी, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप मुतासिर हैं, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके असातिज़ा भी हो सकते हैं, वो मीडिया पर्सनैलिटीज भी हो सकते हैं, दुनिया में जिन जिन लोगों से आप ये ताल्लुक महसूस करते हैं कि वो अच्छी बात करते हैं और वो आपके दिल के बड़े करीब हैं, आप जो जो उनको सुनते हैं आपकी कम्युनिकेशन में निखार पैदा हो जाता है। लिहाजा ये जो कम्युनिकेशन है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अमूमन क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं और नॉर्मली आप अपनी जो चीज़ चाह रहे होते हैं, आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर कोई बड़ा एक्टिव शॉपकीपर हो और वो आपके सामने बेशुमार चीज़ें वैरायटी के तौर पर रख दें और डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने शर्ट की सिलेक्शन करनी है और डिफरेंट शर्ट्स रख दें, लेकिन जो आपने चीज़ कम्युनिकेट की थी कि मुझे ये वैरायटी, इसका ये साइज़, ये कलर इस फैब्रिक में और इतनी इसकी लेंथ है, अगर वो इस चीज़ को नोज़े खातिर नहीं रख रहा तो उसकी पूर अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूर है। देखिए कम्युनिकेशन है बात को मुकम्मल तौर पे परसीव करना, बात को मुकम्मल तौर पे समझना। और याद रखिए इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में डोमिनेटिंग रोल नहीं होता। अगर आप फर्ज कीजिए डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल देखने में क्या आता है, हम अपनी आवाज़ की पिच को बहुत ऊंचा कर लेते हैं और हम डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। कम्युनिकेशन डोमिनेंस से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, ये कम्युनिकेशन आपके दलाइल से इफेक्टिव होती है, ये आपके पेशेंस से, आपके पैशन से, आपके लॉजिक्स और आर्गुमेंट से ये कम्युनिकेशन बेहतर होती है। और कम्युनिकेशन देखिए एक ऐसी चीज़ है जो नॉन वर्बल जो चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा निखार पैदा होता है। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ, गुज़श्ता दिनों फाउंटेन हाउस के अंदर मैंने एक सेशन दिया जहाँ मेरे सामने जो मुखातबीन थे वो डॉक्टर्स थे, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट थे, और उन लोगों को जिन लोगों से वास्ता पड़ता था, वो मरीज, वो बच्चे, वो यूथ जो कि मेंटल रिटार्डेड हैं, जिनको बात आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने वहाँ एक्सरसाइज करवाई
ड्रिल करवाई और मैंने बताया कि जब आप इस तरह के लोगों को मुखातिबीन को जब एड्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम आ रही होती हैं, आप जो क्ल्यू दे रहे होती हैं, ये सिग्नल्स जो पास कर रहे होते हैं, आपकी मूवमेंट्स आपको बता देती हैं। लिहाजा कम्युनिकेशन आपका जो बॉडी का एक्सप्रेशन है, आप जिस हद तक आप इम्प्रेसिव और एक्सप्रेसिव अंदाज में अपने आप को कन्वे करते हैं, बहुत सारी बातें आप वैसे ही कन्वे कर देते हैं। और याद रखिए, जितना बेहतर आपका आई कॉन्टेक्ट होता है, जितने अच्छी अंदाज में आप स्पार्क के साथ ऑडियंस को इंटैक्ट करके बात करने की कोशिश करते हैं और उनको अपने साथ अलाइन रखते हैं, जितना अच्छा एंगेज करते हैं, आप उतने अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं। आप सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को देखिए, दुनिया में जितने भी कामयाब अफराद हैं वो सारे वो अफराद हैं जो बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, चाहे उनका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, लेकिन बेहतर कम्युनिकेटर वो हैं जो अपनी बात को अच्छी अंदाज में रखते हैं। लिहाजा ये कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से बेहतर होती है, ये आप इसमें जितनी एनर्जीज लगाते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, ये इसमें निखार पैदा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आप फ़र्ज़ कीजिए किसी ऐसी पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश करें जो आपको अच्छी लगती है, तो आप गौर कीजिएगा वो सारे ट्रेड्स, वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज, वो सारी चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं, आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो लिहाजा ये भी एक बड़ा हैंडी टूल है। लिहाजा हमने इसकी ड्रिल करनी बाकायदा और हम इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखिए नॉर्मली होता ये है बस औकात, क्योंकि ये स्किल्स की लाइफ है, स्किल्स की दुनिया है, यहाँ आपको एक तनाव मिलेगा, हर बंदा बेहतरीन बात करने वाला है। लिहाजा इस सारे कंपटीशन के अंदर जिस कदर आप अपना होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आप आगे आएंगे, उस कदर आपके ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आपका ताल्लुक याद रखिएगा, आप किसी भी एनवायरनमेंट में हो, आप उस एनवायरनमेंट में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अच्छे कम्युनिकेटर ना हो। लिहाजा मैं ये समझता हूँ ये सारी वो टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। मैंने इसको ज़रूरी समझा कि मैं कम्युनिकेशन को आम तौर पे जो हमारे यहाँ हम मिसगाइड किया जाता है कि इंग्लिश का अच्छा बोलना वो स्किल है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर के लिए ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन अच्छा पैगाम पहुँचा देना है। लिहाजा जो बातें मैंने आपको हैंडी टिप्स दी हैं ये इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। आप इसकी ड्रिल कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो जो प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे इन चीज़ों में निखार पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग क्या होती है, सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, व्हाई वी नीड टू बिकम अ ब्रांड, इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितना टाइम लगता है नॉर्मली ब्रांड बनते हुए, क्या कोई नेगेटिव ब्रांडिंग भी होती है, क्या ब्रांडिंग और प्रोजेक्शन जो है वो ज़रूरी है, क्या जो आमतौर पे हम अपने आप को मतवजो करते हैं, अपने पर मेहनत करते हैं, इसकी क्या अहमियत है, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे सामने, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी सेलिब्रिटी से हो या किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से हो जो हमें अच्छी लगती हैं, उनके पीछे ब्रांडिंग किस हद तक मुआविन होती है, हम इससे बात करेंगे। और इन द एंड आई एम अगेन थैंकफुल फॉर द एशियन ट्रेड टीवी for the selfless efforts and the contribution for the empowering youth all over the Pakistan. Indeed, it's really a blessing for the youth ke ye Asian Trade TV ne initiative liya aur humne ye munasib samjha hum apne youth ko address kare. Inshallah taala hum isko mazid behtar karte jayenge. Aap ye koi tajaveez ho to hamare address mein aap hame feedback zarur dijiye. Hum inshallah isko mazid behtar karte jayenge aapke tajaveez ko samne rakhte hue. So stay